तो हमारे पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझ लो, कहता है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, टोटल टर्म ही 50 है उसमें, ठीक है। टर्म का मतलब है एन है इसमें 50, टर्म जहाँ पे भी बोलेगा वो एन होगा। ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12, मतलब यहाँ पे क्या है, तो जो थर्ड टर्म है जहाँ पे एन 3 है वहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे 12 है एंड द लास्ट टर्म जो है 106 है। लास्ट टर्म का मतलब जो देखो इसमें पूरे टर्म ही 50 है, मतलब लास्ट वाला टर्म ही 50 है और 50 जो टर्म है वो 106 है, तो हमको कहता है 29th टर्म फाइंड करो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो आगे चलते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो हमें कहता है थर्ड टर्म जो है वो 12 है, मतलब कि A3 जो है वो क्या है 12 है ना, और जो लास्ट टर्म है वो 106 है, मतलब क्या है कि A50 जो है वो 106, और हमको फाइंड क्या करना है A29 फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले इन दोनों से इक्वेशन बनेंगी, फिर वहाँ से A और D की वैल्यू निकलेगी, तब जाके आप A29 फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पर हम करते हैं A3-1 एन की जगह पर डी इज इक्वल्स 12, हमें पता है फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थर्ड टर्म हमें दे रखा था, तो थर्ड एन की जगह पे इस्तेमाल किया, और थर्ड टर्म क्योंकि मेरे पास गिवन है इसलिए इक्वल टू 12। तो ये A+3-1 कितना होगा 2, डी इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज़। यहाँ पे A50 है, मतलब 50 मतलब टर्म एन जो है यहाँ पे 50 इस्तेमाल होगा, हमें फॉर्मूला पता है, हम सीधे ही फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 50-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 106, ए प्लस ये होगा कितना 49, डी इज इक्वल्स टू 106, ठीक है। ये क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन टू। अब यहाँ पे ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करूँगा, एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो एलिमिनेशन मेथड में हम पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, तो ये होगा ए प्लस 49 डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 106, उसके नीचे लिख लो A+2D इज इक्वल्स टू 12, है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। और फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाता था। 49 में से 2D गया, 49D में से 2D, तो आएगा 47D, और 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 94, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 94/47, और जो कि कैंसिल करने के बाद आएगा 2, तो डी इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रखो डी की, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो ए प्लस 49 और डी की जगह पे 2 रखना है इज इक्वल्स टू 106, ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आप ये आएगा आपका 98 इज इक्वल्स टू 106, है ना, और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 106-98 और ए इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा अपना, ठीक है। ए 8 आया और डी है 2 आया, फिर हमें क्या फाइंड करना है, ए 29 जहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एन इज इक्वल्स टू 29, हमें ए हमें पता है और डी भी पता है, तो ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल, ये हमें ये हमारा फॉर्मूला है, ए की जगह पे 8 प्लस एन की जगह पे 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 28 इंटू डी 2, मतलब 8 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 56, और इन दोनों को जोड़ के 64, तो ये आ गया आपका आंसर।